प्रताड़ना के चलते आत्महत्या का मामला, आरोपी पति गिरफ्तार, गंज पुलिस ने कराया मेडिकल, भेजा जेल। खंजनपुर का मामला, बैतूल। मामला 6 माह पुराना है, जब 19 मई 2022 को राकेश प्रजापति की पत्नी आशा प्रजापति ने प्रताड़ना से तंग आकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान 20 मई को उसकी मौत हो गई थी। परिजनों और ससुराल वालों के बयान के आधार पर आज गंज पुलिस ने राकेश प्रजापति को खंजनपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के पश्चात आरोपी का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ससुराल पक्ष से बयान के आधार पर प्रताड़ना का मामला सामने आया, जिस पर गंज पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे आज जेल भेज दिया गया। मर्डर नहीं किया था वाइफ ने, सुसाइड। हमारी वाइफ ने क्यों क्या पॉइजन पिया था, फांसी लगाई थी, गोली खाली थी, सल्फास की गोली, हाँ, नींद, एचआईवी हो गया। कितना तो फिर इलाज के दौरान मौत हुई होगी ना, कितने दिन इलाज हुआ? 2 दिन। हाँ ठीक है। कहाँ पर? हाँ ठीक है। राखी क्या घटना की दिनांक याद है कुछ? नहीं, तो काम देख लेंगे।